अस्सलामुअलैकुम। आप सवाल ये आया कि जी फ्रोजन शोल्डर के इलाज के तरीके बता दीजिए। तो मेरा नाम डॉक्टर यासिर है और मैं आपको जो है उस सवाल का जवाब देने लगा हूँ कि फ्रोजन शोल्डर के मेरे पास दो तरह का इलाज है। एक तो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड शोल्डर जॉइंट हाइड्रो डिस्टेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अल्ट्रासाउंड की मदद से कंधे के अंदर जो है वो सुई डालता हूँ और उस सुई की मदद से मैं उसमें चीज़ें कुछ ऐसी डालता हूँ कि उसको मैं गुब्बारे की तरह फुला दूँ और उसमें मौजूद जो एडहेशंस हैं या जो जो जाले पड़े हुए हैं वो खुल जाएँ। इससे मरीज़ तकरीबन 70 से 80% जो वो बेहतर हो जाता है। दूसरा तरीका फिर उसका मैं ये करता हूँ कि अगर इससे भी बेहतर ना हो या मरीज़ तय करे कि जी उसने ऑपरेशन पे जाना है तो फिर हम ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं। पहले उसको जो है बेहोश किए बगैर उसके कंधे में यहाँ पर नसों को ब्लॉक कर देते हैं ताकि उसका हाथ सुन्न हो जाए। मैं अब कोई भी ऑपरेशन जो है वो बेहोश किए बगैर कर लेता हूँ और उसके बाद हम जो है ना उसके पहले तो हाथ को घुमाते हैं, उसके बाद उसमें आर्थोस्कोप करता हूँ मैं, जिसमें कंधे के आगे पीछे और साइडों पे छोटे चने के दाने के बराबर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे हम जो है वो कैमरा डालते हैं और कैमरा डाल के जो है वो पेशेंट का जो है वो ऑपरेशन किया जाता है। तो अंदर मौजूद जो जाले रह गए हैं उनकी भी सफाई हो जाती है, उसके अलावा कोई चीज़ है तो उसकी भी सफाई हो जाती है और अगर किसी चीज़ को रिपेयर करना हो तो वो रिपेयर भी हो जाता है। तो ये दो तरीके इलाज है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप में से किसी को कोई और सवाल पूछना है कंधे या घुटने के दर्द के हवाले से तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। थैंक यू।